पूरा पंजाब बाढ़ से आहत है। किसान भी फसल तबाह होने से चिंता में है। पंजाब सरकार की तरफ से 100 करोड़ की राहत राशि का ऐलान किया जा चुका है। इसी के चलते रविवार को पंजाब राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी कुदरती आफत पर केंद्र ने पंजाब के बिगड़े हालातों को अनदेखा किया है। आगे राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि मानसून में भारत के कई बड़े राज्य कुदरती आफत से प्रभावित हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए राहत कोष का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पंजाब अब तक केंद्र द्वारा उस राहत कोष से वंचित है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1000 करोड़ की राहत राशि की मांग भी की थी, किंतु अभी तक केंद्र की तरफ से उस मांग पत्र पर कोई संभावित प्रक्रिया नहीं हुई। चलिए आगे आपको दिखाते हैं राज्य वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्र सरकार पर क्या निशाना साधा। सब पिछले कई दिनों तो पंजाब जड़ा है एक कुदरती आफत का शिकार है कि पंजाब दे विच कई हिस्सों दे विच दरिया जड़ा है वो अपनियां हद्दां पार करके ते एक हड़ दी सूरत जड़ी है वो पंजाब च तैयार हो चुकी है। और ये जड़े हड़ है या कुदरती आफत है ये सिर्फ पंजाब च नहीं आईयां, मुल्क दे कई हिस्सों दे विच जिमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, करनाटक, असाम, यूपी वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों दे विच एक मिनिस्टरां दी इंटर मिनिस्टीरियल टीम बनाई जिदे विच कि इन्हां सूबियां दे विच जो जो नुकसान होया वो नुकसान का जायजा लैके और उन्हां सूबियां दी फिर मदद करनी है। पर पंजाब दे विच सानूं हैरानी इस गल दी होई कि जिथे सारे सूबियां दे जिहड़े उन्हां नूं शामिल कर लिया गया पर पंजाब किसी तरीके नाल पंजाब नूं नज़रअंदाज कर दिता गया। अखीर CM साहब ने होम मिनिस्टर नूं ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं खत लिखिया कि पंजाब जिहड़ा है पंजाब नूं भी इस कुदरती आफत दे विच शामिल किया जाए। और कल फिर अखीर बिल आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया कि पंजाब भी फ्लड इफेक्टेड है और ये फ्लड इफेक्टेड नूं जो राहत मिलती है नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड चो पंजाब भी उहदे विच क्वालीफाई करता है। और मैं थोड़े देखण वालियां नूं ये गल दसदा जावां कि ये पहली बार नहीं है कि सेंटर ने पंजाब वाले बेरुखी इख्तियार की है। अज तो एक हफ्ता पहला एक एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई पूरे इंडियन एग्रीकल्चर नूं किवें तुसीं तब्दील करना है या इंडियन फार्मर की तनखा जिहड़ी इनकम है उन्हूं डबल किवें करना है। और तुसीं हैरान रहोगे कि उस एग्रीकल्चर मीटिंग जिहड़ी पहली हुई उहदे विच भी पंजाब जिहड़ा है पंजाब नूं एग्रीकल्चर दे विच इनकलूड नहीं किया गया। ये तो उही है जिवें किते कोई बरात जांदी होवे ते बरात दा लाड़ा ना होवे। सो ये पहली बार नहीं होया, कई मरतबा ये गल हो चुकी है। और मैं थोड़े सुनने वालों नूं ये भी गल दसदा जावां कि ये जिहड़े पंजाब दे विच कुदरती आफत आई है ये दो पहलू है। एक तो है कि लोग जिहड़े है जिन्हां नूं खाण पीण दा जिथे घरां च पाणी आ गया वगैरह वगैरह, पंजाब सरकार ने 100 करोड़ रुपया इस कुदरती आफत तो निजात दवाउण वास्ते लोकां नूं दित्ता है। पर यह 100 करोड़ जिहड़ा है ये नाकाफ़ी होएगा और इस दे नाल नाल जदों पानी जिहड़ा क्योंकि अज कई दिनों का पंजाब च मौसम साफ है जदों पानी थल्ले उतर गया तो फिर इहदा भी जायजा लेना पएगा क्योंकि सड़कां टुट जाणगियां, नालियां टुट गईयां होणियां, खेतां च जिहड़ियां फसलां तबाह हो गईयां होणियां ते उहदा किन्ना मुआवजा देना है आने वाले दिनों च ये भी लोगों की भरपाई करनी पैनी है। मैं इस वीडियो के जरिए मैं पंजाब के लोगों को ये गल का विश्वास
ਭਰੋਸਾ ਤਸੱਲੀ ਇਤਬਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।